हेलो दोस्तों, सलमान फिक्स वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा देश के बारे में बताऊंगा जिसका यानी गप्पाजी वहाँ पे क्या है, बैन है। इस देश में गप्पाजी पर लगा बैन। कौन सा देश है दोस्तों? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं गप्पाजी करके ही अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ गप्पाजी पर बैन लगा दिया गया है। यह नियम लागू हुआ फिलीपींस देश के बिना लोनान शहर में, जहाँ नियम तोड़ने पर अजीब सजा भी रखी गई है। यहाँ नियम का उल्लंघन करने पर 725 रुपीज़ जुर्माना के साथ ही 3 घंटे तक शहर की सफाई भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद राजधानी मनीला से 200 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में प्रशासन ने पाबंदी लगाने के कारणों में बताया है कि इससे अफवाहें फैल रही थी, जिसके चलते मारपीट और हत्या जैसे अपराध हो रहे थे। इस कानून को 1 मई से लागू कर दिया गया है। हालांकि रात को 10 बजे के बाद लोगों को गप्पबाजी करने की छूट है। इस कानून को शहर के मेयर रेमन गुइको ने पारित करवाया था। और दोस्तों, मेयर का मानना है कि अफवाहें गर्मियों में सबसे ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ऐसे में लोग पेड़ों के नीचे बैठकर एक दूसरे के अफेयर और पेशों को लेकर बातचीत करते हैं। लोग विवाद, पैसा, रिलेशनशिप और ऐसे ही अन्य विषयों पर बातचीत कर अपना समय बर्बाद करते हैं। मेयर का कहना है कि इस तरह की पाबंदी से लोगों की ज़िंदगी और भी बेहतर हो पाएगी। और दोस्तों, वही अगर कोई शख्स दूसरी बार इस नियम को तोड़ने हुए पाया गया तो उस पर 1,350 रुपया का जुर्माना लगेगा और साफ सफाई 3 की बजाय 8 घंटे तक करनी होगी। इस शहर के अलावा इस कानून को 7 गांव में भी लागू किया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में भी यह बातें सामने आई थी कि लोग दिन में 52 मिनट गप्पबाजी करने में बिताते हैं। इस मामले में युवा बुजुर्गों से आगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सलमान फिट्स वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सलमान फिट्स वीडियो।